हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माइंड जोन। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिश मेरे को सेल्फ फीडिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो टॉपिक है स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया। ये बड़ा ही खतरनाक टैगलाइन है। ये लोगों ने मुझसे कहा कि सर क्या सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है क्या? ठीक है, मतलब ये उन्होंने अपना दुख जाहिर किया क्योंकि डेफिनेटली वो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आइए इसके बारे में डीप में डिस्कशन करते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं सिचुएशंस को, हमारा और आपका क्या रोल हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। गाइस, आप सब में से बहुत से ऐसे बच्चे देखते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं, या फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो सामने वाला बोलता है कि 6,000 ले लो, 8,000 ले लो, 10,000 रुपये ले लो और हमारे यहाँ कंटिन्यू करो। कुछ लोग बोलते हैं कि 11,000 रुपये ले लो, 4 साल का एग्रीमेंट कर देंगे, 2 साल का एग्रीमेंट कर देंगे, राइट? आप ये सब देखने के बाद आपके दिमाग में आ जाता है कि स्कोप ही नहीं है क्या यार, इसकी वजह से इतना कम पैकेज पर जाना पड़ रहा है। ये टॉपिक थोड़ा सा दिल से अटैच टॉपिक है, तो दिल से ही समझना तो कैसे सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं इस। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये ले लो, 12,000 रुपये ले लो, कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 साल का एग्रीमेंट कर लिया, बढ़ा नहीं रहे हैं सैलरी। अब बच्चा क्या होता है, उसको लगता है एग्रीमेंट मतलब ऐसा कि अगर छोड़ देंगे तो हम जेल चले जाएंगे उसके, क्योंकि वो फ्रेशर है, उसको नहीं समझ आ रहा है इस चीज़ को और ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। तो फिर बाद में उसके दिमाग पे निष्कर्ष यही आता है क्योंकि जो जैसा देखता है उसके अकॉर्डिंग उसके माइंडसेट में चीज़ें दिखती है ना। अपने यहाँ पे एक स्टोरी है ना कि एक अंधे को अगर हाथी को दिखाया जाए और हाथी के पूंछ को अगर पकड़ेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। तो ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है। लेकिन गाइस, अब इसके दूसरा पहल देखते हैं हम लोग वाला पहल। कैसा पहल? एक एंटरप्रेन्योर वाला पहल अगर तुम देखोगे तो अभी बहुत कुछ डेवलप करना इंडिया में बाकी है। इवन ये कह सकते हो कि अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, जो आप डेवलपमेंट देखते हो ये न मात्र डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट तब पता चलता है जब आप समुंदर के अकॉर्डिंग देखोगे। जैसे ना कि एक होता है कि कुएं के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि अरे अगल बगल वाली सिटी ऐसी है, ये वाली सिटी इतनी अच्छी है, ये तो वही होगा कुएं में देख रहे हो। ठीक है, आप समुंदर में देखो, ऐसे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मतलब अलग लेवल पर जा रहा है। ठीक है, तो आप जब कंपैरिजन करोगे तब आपको समझ आएगा कि भाई अभी बहुत स्कोप है इंडिया में, अभी बहुत कुछ डेवलप करना बाकी है। अभी मैं छोटी सी अपने यहाँ पे हमारे सिटी में इलाहाबाद में एक छोटा सा सोसाइटी है, तो वहाँ पर मैं गया था। सोसाइटी इन द सेंस एक छोटा सा पार्ट इलाहाबाद का, नैनी नाम से है। तो वहाँ पर जो इलाहाबाद वाले उनको पता होगा नैनी। तो अब वहाँ पर जब मैं देखा सिचुएशन को, सामने का ये घर है और ये घर है, मतलब एक 4-व्हीलर केवल जाने के लिए उन लोगों ने डेवलप कर रहे हैं। ऐसे लोग इसको डेवलप तो बोलेंगे नहीं कहीं से भी। क्या कर रहे हैं, एक कार केवल जा सकती है वन टाइम में, और बहुत गई तो एक बाइक जा सकती है, दूसरी कार नहीं जा सकती, उसको वेट करना पड़ेगा एक कार निकलने के बाद। इस तरह से सोसाइटी जनरेट कर रहे हैं। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ मक्कारी की वजह से। वो सिर्फ पैसे सोच रहे कितना पैसा बचा ले और पूरा डेवलपमेंट कैसी तैसी कर दे रहे हैं। वो डेवलप नहीं है, उसको आज नहीं तो कल तोड़ना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। और जो लोग अपने सपनों का माल, अच्छा सबसे बड़ी समस्या तो हम लोग के साथ भी है, मतलब एज अ कस्टमर अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या सोचते हैं, बगल वाले का को थोड़ा भी नहीं देना है। मतलब ऐसा लगता है उनको कि अगर हम अपने अगल बगल में मार्जिन लगा देंगे घरों में, जहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है वहाँ पर मार्जिन का कोई वो नहीं है, और कई सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब साइड में छोड़ो या ना छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ते भी नहीं है भाई लोग। इतना डिसएडवांटेज है ना छोड़ने का, ना जिंदगी भर आपके घर के अंदर हीट बना रहेगा, आपके घर के अंदर फ्रेशनेस आएगी ही नहीं अगर आप अगल बगल से मार्जिन नहीं छोड़ोगे तो। वेंटिलेशन आना पहला सक्सेस की होता है होम का। ठीक है, रोड पे ऐसा कब्जा करेंगे जैसे कि मतलब उनकी कार जो है ना, एक तो कार तो गेट रोड पर खड़ी होनी है, उसके साथ ही साथ उनका गेट ऐसा रहेगा कि सीधा सीधा आधा रोड वो छाप लेंगे। उनको लगता है हमने 5 फीट की तरक्की कर ली है और उस 5 फीट में आप डेवलपमेंट कैसी तैसी कर देते हो। ठीक है, तो इसलिए भाई अभी इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके की गंवारता, इसको मैं बोलूँगा गलत वर्ड है बट सच है कि क्या बोलते हैं, ऐसा हाल हो गया है कि लोग छोटे छोटे जगह को एकदम ऑब्जर्व कर चले आ रहे हैं और उसकी वजह से अभी आगे और बुरी कंडीशन होने वाली है। तो अभी हमारे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है। अब स्कोप क्यों नहीं है, ऐसा क्यों लगने लगा लोगों को, इसके सबसे बड़े रीजंस है जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। क्या कर रहे हैं वो, उन लोगों को लगता है मेन पैसा मुझे बचना चाहिए, डेफिनेटली उनको बच नहीं रहा है। अब वो क्या करते हैं, उनको पता है इतने ढेर सारे तो इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अब इतने ढेर सारे इंजीनियर्स हैं और इनमें से किसी के दिमाग में तो आएगा नहीं कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाएं या फिर हम खुद का कुछ करें। ठीक है, तो ये तो हमारे आगे पीछे ही घूमने वाले हैं। इस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं कि एक कॉलेज में जब जाते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कंपनीज आती हैं कुछ कुछ कॉलेज में, बोल देते हैं 10,000 12,000 रुपये में, 8,000 रुपये पे हायर करूँगा मैं।
अब मजबूरी में होता क्या है कि बच्चे के पास इतना लोन है, लोन नहीं है तो घर की जो आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है उसको लगता है चलो 12 मिलेगा किसी तरीके से काट पीट के 4-5 हज़ार तो बचाऊंगा, EMI तो भर दूंगा लोन का, या फिर घर का जो खर्चे हैं उनकी छोटी रिक्वायरमेंट, मतलब वो उन्होंने अपनी लाइफ का एक पार्ट को कर दिया। ऐसा नहीं कि केवल आप, मैंने भी किया था। फिर मैं क्या देखते हैं कि अब डेफिनेटली उनको जब इस तरीके से मिल जा रहे हैं तो फिर तुमको 60,000, 70,000, 80,000 रुपये क्यों देंगे। अब इसी की जगह पे सिचुएशन को बदल दिया जाए, अगर क्या होगा सिचुएशन, वही जो क्राउड है उसी क्राउड में से ढेर सारे लोग छोटा छोटा अपना बिजनेस को डेवलप कर ले। बिजनेस इन द सेंस सिविल इंजीनियरिंग के बिजनेस की बात करो, मैं सब्जी की दुकान नहीं लगानी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपना डिजाइनिंग का फॉर्म खोल लिया, आपके दोस्त ने जो है एजुकेशन का फॉर्म खोल दिया, या फिर आप ही ने मिलकर उसके साथ एजुकेशन का फॉर्म खोल दिया। अब क्या हो रहा है, आप अपने नीचे अपने जूनियर्स को हायर करिए, ठीक है, और उनको उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस दीजिए, प्राइस इन द सेंस सैलरी के फॉर्म में, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पे पैसे मत बचाइए कि फिर आप भी तानाशाही में शुरू हो जाए कि यार मैं 6,000 रुपये में मुझे ऑफर मिला था इसको 4,000 रुपये में रख लेता हूँ, नहीं, ठीक है। उसको अच्छा ऑफर करिए, अच्छा ऑफर मतलब कि उसको भी लगना चाहिए कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और एक मेरी स्टैंडर्ड सैलरी है, और वहाँ से स्टार्ट करिए। आप ये समझिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रो के लिए नहीं आए हैं, हम कम्युनिटी के ग्रो के लिए आए हैं। डेफिनेटली उससे आपका विकास बहुत ज़्यादा होगा, प्लस जिस बच्चे को आप अच्छी सैलरी दोगे ना, बिलीव करो, मन लगा के वो बेहतरीन दिल से काम करेगा, और दिल से काम मतलब जैसे अपना काम होता है। मैं यूनिक सिविल पे अपना काम करता हूँ तो लगता है कितना बेस्ट कंटेंट दे दूँ, कितना बेस्ट डिज़ाइन दूँ, हर कोई चाहता है ना। तो उसी तरीके से जब आप उस बच्चे को अगर अच्छी सैलरी दोगे, वो अपने दोस्त से पूछेगा तेरी क्या है, तो बोलेगा 5,000, ये बोलेगा यार मेरे को तो 25,000 मिल रहा है या फिर 20,000 मिल रहा है, तो उसको लगेगा यार मुझे अपना बेस्ट देना है मेरे अपने सीनियर को, जिससे कि बेहतरीन काम हो सके। तो अब क्या हो रहा है, अपने आप ग्रो होने लगा ना, ठीक है, आप ही ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। आप सोचिए कि अगर एक क्लास में से 2 या 3 लोग भी एंटरप्रेन्योर निकल गए, सारे क्लास को हायर कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि सर मुझे काम कौन देगा, इतने बड़े बड़े इतना डेढ़ सारा जो काम होता है, हम कहाँ से इतने लोगों को हायर करके रखेंगे। करेक्ट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपके एरिया में बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स होंगे, ठीक है, आपको मार्जिन अपना कम करके काम उठाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो टूटेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान होता है, जैसे कि अभी मैं चाय पी रहा था, ठीक है, तो ये चाय जो CCD वगैरह होता है, चाय मतलब कॉफ़ी है, तो ये CCD वगैरह में कितने का मिलता है, 100-150 रुपये का मिलता है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने घर में बनवा ली तो इसका प्राइस कितना लगा होगा, आई थिंक 10 रुपये लगे होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने क्यों घर में कंप्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि 10 रुपये और कहाँ 100 रुपये, 100 रुपये की कॉफ़ी मैं बाहर पीऊँगा और 10 रुपये की यहाँ पर, तो मैं कंप्रोमाइज़ कर लिया ना कि चलो घर पर पी लेते हैं, ठीक है। और अब इसी तरीके से आपका क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट को जब ये समझ आ जाएगा कि यार ये कितने कम पैसे में काम करके दे रहा है, और उसका बजट भी डेफिनेटली सबका बजट तो रहता नहीं बड़े बिल्डर्स के पास जाने का, तो अगर आप उसी बजट में उसको बेहतरीन काम करके दे देंगे तो वो 4 लोगों को यही बोलेगा कि इतने लोग इतना बड़ा पैसा लगाते हैं तब उनको ये चीज़ मिलता है, और मुझे बहुत कम पैसे मिला। आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी, स्टार्टिंग में मार्जिन रेशियो आपका कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे काम में क्वांटिटी बढ़ेगी आपका एक्सप्लोरेशन अच्छा हो जाएगा और आप इंक्रीज कर जाएंगे। यहां से सिविल इंजीनियरिंग का एक्चुअल स्कोप बढ़ने लगेगा, फिर आप देखोगे कि अरे इस बिल्डर को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ। तो जो बड़े बड़े कहते हैं ना कि पूरा बड़े बड़े इतने इतने ढेर सारे ढेर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के, उनको ब्रेक करना स्टार्ट हो जाएंगे आप। थोड़ा सा आपने किया, थोड़ा सा मैंने किया, थोड़ा सा आपके दोस्त ने किया, थोड़ा सा आपके और किसी दोस्त ने किया, तो इससे क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, मनी अपने आप डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, लगभग सबको काम मिलने लगेगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे। और मैं यही चाहता हूँ। दूसरा चीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो भी काम करते हो उस काम में बेहतरी के लिए उनको सोल्यूशन दो कि भाई डेवलपमेंट अच्छा करो, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं एक कंट्री से रिलेटेड होता है। कहते ना आप किसी सिटी में जाइए, वाओ यार क्या बिल्डिंग्स है, ठीक है, वाओ यार क्या इंफ्रा है। मतलब मैं तो जब ऐसे कहीं जाता हूँ जहाँ पे एकदम कंजस्टेड, मुझे लगता है कि यार इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में क्या क्या कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग अभी आजकल कहते हैं ना, लोग उन्हें सीधे एक जगह ले लिया, प्लॉटिंग करते हैं, अब प्लॉटिंग में इतना गंदा प्लॉटिंग करते हैं कि वो स्पेस छोड़ते ही नहीं है, वेंटिलेशन का तो कोई छोड़ दो, स्पेस नहीं छोड़ते हैं सही तरीके से आपकी गाड़ी या पार्क कुछ भी पार्क हो सके। तो इस चीज़ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्लॉटिंग में आप भी आ सकते हैं अगर कुछ समय के बाद आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो मैं चाहता हूँ स्कोप सोचो मत कि है कि नहीं, आप स्कोप को बढ़ाने की सोचो। ऐसा नहीं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग स्टार्ट कर दो कि नहीं नहीं मुझे अभी कल से एंटरप्रेन्योर बनना है, नहीं, साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर खूब अच्छे से जॉब करो, लर्निंग लो पहले। मैंने 5 साल काम किया, 6वें साल मैंने स्टार्ट किया कि भाई अब करेंगे हम खुद का। क्यों? क्योंकि 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीख लिया, चाहे फिर वो स्ट्रक्चर में हो, चाहे फिर बीम हो, चाहे फिर प्लानिंग में हो, चाहे फिर क्लाइंट हैंडलिंग हो, चाहे फिर मार्केटिंग हो, सब कुछ सीखा।
तो ये 5 साल लगे मुझे। मैंने कहा था आप 5 साल लगाओ, मेरे पास फाइनेंस का भी प्रॉब्लम था इसकी वजह से 5 साल लगा, लेकिन हो सकता है आपके पास थोड़ा बहुत फाइनेंस का प्रॉब्लम कम हो, 3 साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी ने 1 साल में खुद के इस लेवल पे आओ और अपने आप अपनी कम्युनिटी को ग्रो कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे ढेर सारे लोग ग्रो करना स्टार्ट कर दें और इससे अपने कंट्री का अच्छा ग्रोथ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत गाइस।